तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं स्कोडा कैडिलैक के बेस वेरिएंट के बारे में। वैसे इसका नाम है क्लासिक वेरिएंट और ये दोस्तों पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है कैडिलैक का, क्योंकि प्राइस इसकी शुरू होती है केवल 7.89 लाख से और इतने ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जो कि डेफिनेटली आपको टाटा निक्सॉन और ब्रेजा के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन लगेगा। अभी ऐसा भी इस बेस वेरियंट के अंदर आपको मिलता क्या है, चलिए जान लेते हैं इसी वीडियो में। वैसे आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पावर ट्रेन ऑप्शन से। तो स्कोडा कैडिलैक के अंदर आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ दी 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। इसके अंदर आपको लगभग 114 BHP की पावर और 178 Nm का टॉर्क मिलेगा। ये वही लेजेंडरी इंजन है जो कि आपको पोलो, स्लाविया, इवन कुशाक के लोअर वेरियंट के अंदर भी ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा गियर बॉक्स के अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ दी 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, विच इज अगेन वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इवन नेक्सॉन के लोअर वेरिएंट के अंदर भी आपको 6 स्पीड नहीं मिलता, दे गिव 5 स्पीड फॉर द कॉस्ट कटिंग। तो ये मैंने आपको पावर ट्रेन ऑप्शन के बारे में बता दिया, तो अभी चले हम इसके इंटीरियर पर फोकस कर लेते हैं। तो इंटीरियर में डैशबोर्ड का डिजाइन आप ओवरऑल देख सकते हो, देखने के अंदर ये काफी ज्यादा आपको रगेड फील देगा एंड एट द सेम टाइम ये जो बड़े बड़े से AC वेंट्स है ये काफी ज्यादा कूल लगते हैं। इवन आप स्टेयरिंग देख सकती हो, ये वही सेम स्टेयरिंग है जो कि आपको स्लावियन कुशाक में मिलता है 2 स्पोक वाला, और बेस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी म्यूजिक के कंट्रोल्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। बाकी साइड में आप अगर इसके डोर्स पर देखेंगे तो इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट से ही 4 पावर विंडोज मिलते हैं और साथ में डोर्स के ऊपर आपको फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री मिलेगी। ऊपर की साइड में जो इनर डोर हैंडल है वो आपको प्लेन ब्लैक प्लास्टिक के अंदर मिलेगा और पूरे इंटीरियर में आपको किसी भी तरह की क्रोम के बिट्स नहीं मिलते। साथ में आप इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी देख सकते हो, इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलेगा। डिजिटल में एक छोटा सा डिस्प्ले है जो कि इनफ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराएगी। इसके अलावा बेस के अंदर आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, चाहे तो आप इसको एज अ नेसेसरी बाद में लगवा सकते हो, लेकिन स्पीकर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेस वेरियंट के अंदर भी आपको 4 स्पीकर दिए जाएंगे। नीचे AC वेंट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, इधर जो AC की कंट्रोल्स है ना वो पूरे मैनुअल के अंदर आते हैं और ओवरऑल जो कंट्रोल्स है ना वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक से देखने को मिलेंगे। इसके नीचे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है और साथ में आपको 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है ना वो भी मिलेगा। बाकी ये आप देख सकते हो इसका 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पैक्ट SUVs इस प्राइसिंग के अंदर आपको 5 स्पीड का ऑप्शन ही प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पीछे के साइड में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलेगा, इधर आपको मिलता है इसका कप होल्डर, मैनुअल हैंडब्रेक इधर आता है और साथ में बेस वेरिएंट से ही आपको जो सेंटर आर्मरेस्ट है ना वो भी मिलेगा, वो भी पूरे फैब्रिक फिनिश के अंदर। बाकी डैशबोर्ड में देखो आपको कंप्लीट ड्यूअल टोन वाला सेटअप मिलेगा, लेकिन सेंटर पोर्शन में आपको कंप्लीट ब्लैक कलर मिलता है। वही अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वाइट कलर वाला फिनिश मिलेगा, लेकिन ये ब्लैक कलर एक्चुअल में काफ़ी सही लग रहा है। बाकी देखो आपको इधर आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा, बाकी ऊपर के साइड में आपको डे नाइट वाला जो मैनुअल IRVM है ना वो दिया जाएगा और इसके रूफ में आपको जो रूफ लैंप्स है ना वो भी हैलोजन के अंदर मिलेंगे। बाकी देखो अगर आप सीटों की तरफ ध्यान देते हो तो यहाँ पर ना आपको कंप्लीट फैब्रिक अपोल्स्ट्री के साथ सीट्स मिलेंगे और ऊपर के साइड में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आते हैं। इवन अगर आप पीछे के साइड में भी जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको रियर AC वेंट्स का सेटअप बेस वेरिएंट से ही मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। और साथ में पीछे की सीटों में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलते हैं, चाइल्ड आइसोफिक्स आपको माउंट मिलेगा और ऊपर के साइड में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, विच इज़ अ प्रिटी ग्रेट थिंग फॉर अ बेस वेरिएंट। बाकी जो पूरा रूफ वाला एरिया ना वो आप देख सकते हो, सेंटर में आपको कोई भी रूफ लैंप वगैरह नहीं मिलता, विच इज़ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इन दी बेस वेरिएंट। साइड में आपको कर्टन एयरबैग्स मिलेंगे क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड ही बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, बेस वेरिएंट से ही आपको इसमें 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, ABS, EBD, ऐसे ही बहुत सारे जो यूजफुल सेफ्टी फीचर्स है ना वो आपको मिल जाते हैं, जो कि इस गाड़ी को डेफिनेटली सेफर बना देती है। बाकी देखो अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर के बारे में तो एक्सटीरियर में प्रॉपर इमेज इसकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि बेस वेरिएंट में आपको क्या सारी चीज़ें मिलेगी। तो फ्रंट में देखो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर सेम ही मिलती है एज ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, बस आपको इसमें जो हेडलैम्प्स होंगे वो शायद से आपको हैलोजन प्रोजेक्टर सेटअप के अंदर मिलेंगे, ना कि LED के अंदर। अभी इसके बारे में कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है क्योंकि कैडिलैक की जो बड़ी बहन है विच इज़ दी स्कोडा कुशाक, उसके भी बेस के अंदर आपको हैलोजन वाले हेडलैम्प्स ही मिलेंगे।
इसके अलावा देखो DRLs का डिज़ाइन आपको सेम ही मिलेगा, वो LED सेटअप के अंदर आएंगे और बाकी आपका ग्रिल, ओवरऑल बम्पर का एरिया सब कुछ आपको सेम ही मिलेगा। बस डिफरेंस इतना ही होगा कि ये जो स्किट प्लेट आप देख रहे हो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में आपको सिल्वर फिनिश के अंदर मिलती है, लेकिन बेस के अंदर आपको ब्लैक मैट फिनिश के अंदर मिलेगी। साथ में अगर आप इसके साइड में जाते हो तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे, लेकिन ये ब्लैक कलर के अंदर आएंगे और इसके अंदर आपको ये वाले जो व्हील कैप्स है ना वो दिए जाएंगे, जो कि ब्रेजा के व्हील कैप से वे बेटर लग रहे हैं। साथ में देखो आपको प्रॉपर व्हील आर्चेस और क्लैडिंग भी मिलेगी। और ऊपर के साइड में अगर आप जाते हो तो इधर ना टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन आपको बेस वेरिएंट के अंदर जो बॉडी कलर डोर हैंडल्स है ना वही दिए जाएंगे। इवन आपका जो ORVM है ना वो भी आपको बॉडी कलर के अंदर ही मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स है ना वो आपको सेम ही मिलते हैं एज ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। अगर आप ऊपर के साइड में जाते हो तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी शार्क फिन वाला एंटीना और जो सनरूफ है ना वो नहीं दिया जाएगा। अगर आप जाते हो इसके पीछे के प्रोफाइल के अंदर तो पीछे देखो ये जो टेल लैम्प्स का डिज़ाइन है वो आपको सेम ही मिलेगा इवन बेस वेरिएंट के अंदर भी, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर आपको पीछे के ग्लास में कोई भी डी फॉगस नहीं मिलते और साथ में आपको रियर वाइपर और वॉशर का सेटअप नहीं मिलेगा। इसके अलावा नीचे बम्पर का डिज़ाइन सेम ही होगा, लेकिन ये जो स्किट प्लेट होंगे वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे हिसाब किताब है इस गाड़ी के पूरे एक्सटीरियर का। अभी आपके ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए इस गाड़ी के जो सारे फीचर्स है बेस वेरिएंट के वो मैं आपके सामने लिस्ट कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकती हो। तो स्कोडा कैला के बेस वेरिएंट के रिगार्डिंग मैंने सारी आपको डिटेल्स दे दी और कहीं ना कहीं इतने कम प्राइसिंग के अंदर ये जो फीचर्स है ना ये इस गाड़ी को डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी तो बना ही देते हैं। तो अगर आप टाटा नेक्सॉन ब्रेजा वगैरह लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार स्कोडा की कैला को भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं 100% आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था स्कोडा कैला के बेस वेरिएंट के रिगार्डिंग। तो आप मुझे ज़रूर से बताना कि आपके ये जो बेस वेरिएंट है ना वो कैसा लगा। बाकी देखो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, और ऐसे वीडियोज़ अगर आपको और भी देखने हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।